भारत का रुपया बांग्लादेश के टके के बराबर का भी नहीं रहा, गुस्से में बोले अखिलेश यादव। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों की वजह से अर्थव्यवस्था डूब गई है। जब से नोटबंदी और GST को लागू किया है तब से देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार डॉलर को नीचे करना चाहती है लेकिन इनका रुपया बांग्लादेश के टके से भी नीचे है। साथ उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, बढ़ता जा रहा है, रियल एस्टेट भी डाउन हो गया। इन्होंने पीलीभीत में पत्रकारों से बात करते हुए नए यातायात नियमों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि यातायात के नए नियमों से साइकिल वालों को कोई दिक्कत नहीं बल्कि जिनके चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल और कार है उनको दिक्कत है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में चलान की रकम कम है और यूपी में ज्यादा है, सरकार कम से कम गुजरात से तो यहां कम करे। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर एजेंसियों की कार्रवाई और आरोपों पर भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि रामपुर में बदले का काम किया जा रहा है, प्रशासन सरकार के इशारे पर बदले की भावना से काम कर रहा है। आजम खान का जुल्म बस इतना है कि लोगों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी तैयार की इसलिए उन्होंने यह सजा मिली, यही कारण है कि उन पर अब तक 80 मुकदमे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम पर लगाए गए बकरी और भैंस वाले केस भी फर्जी हैं। संपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार केवल 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, ट्रिपल तलाक आ गया, 370 को खत्म कर दिया। इससे लगता है कि अभी तक सरकार ने सिर्फ 20 करोड़ लोगों के लिए ही काम किया है, बचे 110 करोड़ लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को मोबाइल दे दिया, फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए और नौकरी के बारे में मत सोचिए। हम लोगों को बीजेपी से मुकाबला करना है और उनके पास राष्ट्रवाद का मुकदमा है, उनके पास हिंदुत्व का मुद्दा है और मुझे तो हिंदू मानते नहीं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि सत्ता मिलते ही बिजली सस्ती कर देंगे, सत्ता मिल गई और बिजली महंगी हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी कमजोर है।